बुधवार को इंदौर के राव क्षेत्र स्थित शांघवी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज को सील किया गया। 47 लाख रुपए के राजस्व बकाया के कारण शांघवी कॉलेज पर इंदौर प्रशासन का ताला डाला गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश अनुसार राव तहसीलदार संजय गर्ग एवं उनकी टीम द्वारा 47 लाख टैक्स बकाया होने के कारण शांघवी कॉलेज को सील किया गया, जबकि शांघवी कॉलेज में सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। प्रशासन की इस बड़ी कार्यवाही से छात्रों के भविष्य पर छाए अंधकार के बादल। कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों से साथ किशनगंज थाना का बल मौजूद रहा। शांघवी कॉलेज पे जो कार्रवाई की गई है वो उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 47 लाख रुपए डाइवर्सन की बकाया, जिसमें हमारे द्वारा डिमांड नोटिस दिया गया, उसमें कोई जवाब नहीं आया और ना उनके द्वारा राशि जमा की गई। इसके बाद हमने कुर्की नोटिस दिया गया, कुर्की नोटिस भी प्रॉपर तामील किया गया, उसके बावजूद भी राशि जमा नहीं की गई है। तदुपरांत हमने इस पर सील करने की कार्रवाई की। हाँ, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई प्रोग्रेस में है, नोटिस जारी किया गया, सुनवाई उपरांत कर रही है। सर, आज स्टूडेंट आए थे, उन लोगों की फीस ले ली गई, मगर उनको एडमिशन नहीं दिया गया, तो उस विषय में आप पूछेंगे कि उनकी फीस वापस लौटाई जाएगी। इस कॉलेज को आपने सील कर दिया, पर यहाँ स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते हैं, उनका क्या होगा भविष्य का? यदि उनका इशू होता है तो इनके मालिक से बात करेंगे, वो जो डाइवर्सन टैक्स है वो जमा करेंगे और छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं डाला जाएगा।